हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिससे अगले संपर्क। कुछ दिनों से हम हिस्ट्री की सीरीज लेकर चल रहे हैं। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चंस फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, क्या रीजन है। आदमी कोई भी हमें साधारण लाइफ में भी कोई भी आदमी किसी बड़ी पोस्ट हासिल करता है उसके लिए कुछ रीजन उसके लिए कुछ पर्पज रहता है, कुछ रीजन रहते हैं, इसीलिए वो अपने पोजिशन तक और अपनी पोजिशन हासिल कर लेता है। वो एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा आपको, आपने दशरथ मांझी का नाम सुना ही होगा कि जो अपनी बीवी के लेबर पेन से उनको दर्द हो रहा था, लेकिन एक पहाड़ की वजह से अपनी बीवी को जल्दी अस्पताल लेकर नहीं पाया और उसकी अपनी बीवी को खो बैठा। लेकिन उस आदमी को जिद आ गई और उस आदमी ने 55 किलोमीटर का जो पहाड़ था वो छन्न हथौड़ा लेकर पूरा तोड़ डाला, क्योंकि उसको एक रीजन मिला था, उसको एक पर्पज मिला था कि वो उसकी बीवी का जो डेथ हो गई थी वो पहाड़ की वजह से, इसीलिए पर्पस की वजह से वो आदमी ने वो पहाड़ तोड़ डाला। उसी तरह के जो राइज ऑफ जैनिज्म है उसके पीछे भी कुछ रीजन है, वो रीजन जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 6th सेंचुरी को वंडरफुल सेंचुरी भी कहा गया है, क्योंकि इस सेंचुरी में बड़े बड़े थिंकर लाइक ज़ोरास्टर, कन्फ्यूशियस, लाओत्से, गौतम बुद्ध, महावीर, ऐसे बड़े बड़े थिंकर इन्होंने जन्म लिया और अपने विचारों से प्रभावित दुनिया को एक नई खोज दी, दुनिया को एक नया मार्ग दिया, इसलिए सेंचुरी को 6th सेंचुरी को वंडरफुल सेंचुरी भी कहा गया है। और बाद में हमारा जो पहला पॉइंट है रिजिड कास्ट सिस्टम, पॉलिटिकल सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स संस्कृत लैंग्वेज, करप्शन इन रिलीजन, कि जो लेटर वैदिक पीरियड में जो ये पॉइंट इकट्ठा करके आपके इसे इलेबोरेट करके भी राइज ऑफ जैनिज्म का कॉजेस है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग सेंचुरी रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, कि जो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग था अपने रिलीजन क्लासेस में थोड़े से झगड़े होने लगे, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में और वैदिक पीरियड में सोसाइटी 4 हिस्सों में बटी हुई थी। जो अपर क्लास था ब्राह्मण क्लास, नीचे क्लास था क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, जो सबसे नीचे था शूद्र। अपर क्लासेस वाले लोगों को ज़्यादा हायर पावर थी और नीचे वाले लोगों को कम पावर थी, और नीचे वाले लोगों को अपर जाने की और ऊपर जाने की कोशिश उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था, इसीलिए क्या उनमें दूरी बढ़ गई और अपर क्लास और नीचे वाले जो क्लास थे वैश्य शूद्र उसमें क्या दूरी बढ़ने लगी। कुछ विलेज थे और मद्रास थे कि जो क्या आम आदमी को कंफ्यूज करने लगे, उनमें उनके समझ में नहीं आते थे और उनके पल्ले भी नहीं पड़ते थे कि जो बातें थी, जो उपनिषद की टीचिंग थी और उसकी कुछ सैक्रिफाइसेस यज्ञ वगैरह के जो विधि थे उनमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी कि जो वो हाईली फिलोसॉफिकल नेचर थी, कि जो आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल बात थी, और जो उनमें जो ऊपर से लिखे हुए जो संस्कृत लैंग्वेज में वो कॉम्प्लेक्स संस्कृत लैंग्वेज थी कि जो आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल थी, और इकोनॉमिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो जिम्मेदार भी था जो राइज ऑफ जैनिज्म के लिए, वो वे कैसा कि जानेंगे। अपर क्लास था ब्राह्मणिज्म, नीचे क्लास था शूद्र, कि जो अपर की क्लासेस थे वो क्या अपने सैक्रिफाइस वगैरह करके रिचुअल्स परफॉर्म करके उन्हें क्या कुछ देन वगैरह मिलती थी, लेकिन नीचे का हिस्सा है वो क्या दिन ब दिन गरीब हो रहे थे, इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है राइज ऑफ जैनिज्म के लिए। और हमारा लास्ट पॉइंट है रिजिड कास्ट सिस्टम, बुद्ध एंड महावीर बिलोंग टू क्षत्रिय ओरिजिन, ये अच्छी तरह समझ लेंगे कि जो क्षत्रिय ओरिजिन को बिलोंग करते थे कौन, बुद्ध एंड महावीर, उनमें क्या उन्हें क्या अपर क्लासेस में प्रवेश नहीं दिया जाता, उन्हें अलाउ नहीं किया गया अपर क्लासेस की कुछ विद्यार्थी, लेकिन उस आदमी उसने क्या किया अपना अचीवमेंट अपने जीवन में एक अचीवमेंट पाकर अपना एक पाथ खोजकर अपने विचारों से प्रभावित करके लोगों को एक धर्म स्थापित किया और एक अपना नया धर्म स्थापित किया कि जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अगले वीडियो में देखने वाले। इसके ये पॉइंट के तौर पर मैं कहना चाहूंगा आपको कि जैसे कुछ नाकाम लोग कि जो दुनिया की वजह से अपने फैसले बदल देते हैं, लेकिन कामयाब लोग अपने फैसले की वजह से दुनिया को बदल देते हैं, ये जो कोर्स है ये यहाँ पर एग्जैक्ट लागू होती है। जो बौद्ध है महावीर ने जो जैनिज्म और बुद्धिज्म स्थापन किया है उनके लिए बहुत सटीक बैठती है जो भी कोर्स मैंने सुनी आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।